नाइट तक लोगों ने तोड़ा लॉकडाउन। यूपी में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 849। अब तक 49 जिलों में पहुंचा कोरोना का संक्रमण। 82 लोग ठीक होकर घर भी पहुंचे। उत्तराखंड में सामने आए कोरोना के 3 नए मरीज। राज्य के कुल संक्रमितों की संख्या 40 हुई। देहरादून में 2 और नैनीताल में 1 नया मरीज। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1640 हुई। अब तक 38 लोगों की मौत। 51 लोग इलाज के बाद ठीक हुए। कंटेनमेंट जोन बढ़ाकर 66 किए गए। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3205 हुई। कोरोना से अब तक 194 लोगों की मौत। 300 लोग ठीक होकर घर गए। सेना अध्यक्ष जनरल नरवणे के मुताबिक भारतीय सेना में कोरोना के सिर्फ 8 पॉजिटिव केस, 1 संक्रमित ठीक हुआ। मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने कोरोना वॉरियर्स पर हुए हमले को लेकर नाराजगी जताई है। हेमा मालिनी ने कहा है कि कुछ लोग डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मियों पर पथराव कर रहे हैं। प्रशासन को ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। आगरा में पारस अस्पताल के डायरेक्टर अरंजय जैन और मैनेजर एसपी यादव के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। मरीजों की संख्या छिपाने और प्रशासन को सही जानकारी न देने का आरोप। जौनपुर के खुठन में शॉर्ट सर्किट से खेतों में भयंकर आग लग गई, जिससे भारी मात्रा में फसलें जलकर राख हो गई। हाथरस के हसान इलाके में हाई एक्सटेंशन लाइन से फसल में आग लग गई। घंटों की मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। गेहूं की करीब 21 बीघा फसल जलकर राख। मुजफ्फरनगर में आकाशीय बिजली गिरने से बच्चों की मौत, माता पिता घायल। सीएम योगी ने जताया दुख। मृतक के परिजनों को 4-4 लाख मुआवजे का ऐलान। कानपुर में बेमौसम आंधी तूफान के साथ हुई बारिश ने खड़ी गेहूं की फसल पर भारी तबाही मचाई। किसानों की कई एकड़ फसल बर्बाद हो गई। फतेहपुर में अचानक बारिश और ओले पड़ने से किसानों की मुसीबत बढ़ गई है। खेतों में इस समय गेहूं की फसल तैयार है और बेमौसम बारिश किसानों की परेशानियों को बढ़ा रही है। उत्तराखंड में अचानक बदले मौसम ने किसानों की मुश्किलों को भी बढ़ा दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे पहाड़ी इलाकों पर भारी पड़ सकते हैं। लॉकडाउन के दौरान गाजियाबाद पुलिस जरूरतमंदों को खाना पहुंचा रही है। फूड डिलीवरी फोर्स के जरिए 30 से ज्यादा टीमें बनाई गई हैं, जो लोगों को खाना दे रही है। फरुखाबाद के फतेहगढ़ में पुलिस ने कच्ची शराब पकड़ी। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। लॉकडाउन के बावजूद बनाई जा रही थी कच्ची शराब। राजस्थान के टोंक में गश्त लगा रही पुलिस पर लोगों ने लाठी और डंडों से हमला किया। 6 पुलिस वाले घायल। हमले में 7 लोग हिरासत में लिए गए। राष्ट्रीय राजमार्ग पर 20 अप्रैल से टोल वसूली हो जाएगी। लॉकडाउन के चलते देश भर में 24 मार्च को आधी रात से टोल वसूली स्थगित कर दी गई थी। कोरोना के खिलाफ जंग में दुनिया भर में भारत की तारीफ। तिरंगे में रंगी स्विट्जरलैंड की पहाड़ी। WHO ने भी की सराहना। उत्तरकाशी में जिला प्रशासन ने लॉकडाउन के हालात में मॉकड्रिल किया, जिसमें कोरोना महामारी के हालात से निपटने की तैयारियों का अंदाजा लगाया गया।